Welcome on GMT Lecture Series. In this lecture, we will discuss important th theorem of unit fourth. And the statement of the theorem is theorem. Kagarya theorem. If C is, if C is, if C is compact GS, if C is compact GS, G S, then अगर क्या है बच्चे कॉम्पैक्ट जी एस एन देन देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस दिस इज अ साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट ठीक है बच्चों देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस देयर एग्जिस सीक्वेंस देयर एग्जिट सीक्वेंस एफ एन इन एल एफ एन इन एल एल इज द एल इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन विद कॉम्पैक्ट सपोर्ट ठीक है सच दैट सच दैट क्या कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सी वेअर एक्स ऑफ सी इज़ करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या कह रही है थेम अगर इफ़ सी इज़ अ कॉम्पैक्ट जी ए सेट अगर सी कोई कॉम्पैक्ट जी ए सेट है ठीक है देन क्या होगा अगर सी कॉम्पैक्ट जी एच सेट होगा बच्चे तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी देर एग्जिस्ट सीक्वेंस एफ एन इन एल सच दैट कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सी कि एफ एन क्या होगी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी एक्स ऑफ सी एक्स ऑफ सी इज डिफाइन करेक्टरिस्टिक फंक्शन ठीक है देन लेट्स प्रूव इट प्रूफ ठीक है लेट्स प्रूव इट सीन्स आपको क्या गिवन है बच्चे आपको गिवन है कि सी इज कॉम्पैक्ट जी एस सी क्या है हमारा कॉम्पैक्ट जी एस सी क्या है हमारा कॉम्पैक्ट जी एस एट ठीक है सेट सी इज अ कॉम्पैक्ट जी एट सेट डेफिनेशन अब आपको क्या पता है बच्चे अगर सी हमारा कॉम्पैक्ट सेट है और जी एस एट की डेफिनेशन क्या होती है ठीक है सी therefore, 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 therefore आपका कॉम्पैक्ट जीएसट देआर फोर बायिनेशन किसकी डेफिनेशन बच्चे जीएस सेट की जीएस सेट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है देन देर एग्जिस्ट देन देर एग्जिस्ट अवेंस देन देयर एग्जिस्टर सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है यू एन ऑफ ओपन सेट यू एन ऑफ ओपन सेट्स ओपन सेट्स सच दैट सच दैट ठीक है बच्चों कि अगर सी कोई कॉम्पैक्ट जी सेट है तो आप डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि कोई एक ऐसी सीक्वेंस यू एन ओपन सेट्स की एग्जिस्ट करती है सच दैट कि जो सी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे कि सी इज इक्वल्स टू इक्वल होता है सी इज़ इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू वन टू यू एन के ठीक है एंड वेयर जो सी है सी इज़ अ सबसेट ऑफ यू एन सी किसका सबसेट होता है यू एन का फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन ठीक है बच्चों ये हमारी जो डेफिनेशन है ये जी एस एट की डेफिनेशन है अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं उसमें सारी की सारी डेफिनेशन है यूनिट फोर्थ की ठीक है ये जी एस एट की डेफिनेशन होती है चलिए आगे करते हैं अब हमको पता है हमको क्या पता है बच्चे हाँ जी बच्चे जी हमको एक थ्योरम पता है हमको क्या थ्योरम पता है कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं वी नो दैट वी नो दैट कि इफ सी इज अ सबसेट ऑफ यू अगर सी सबसेट है यू का वेयर सी इज़ कॉम्पैक्ट जो सी क्या है सी इज़ कॉम्पैक्ट वेयर सी इज़ कॉम्पैक्ट एंड यू इज़ ओपन अगर सी सबसेट हो यू का और सी कॉम्पैक्ट हो एंड यू क्या हो यू इज़ ओपन तो क्या होता है बच्चे देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट एन एफ एक ऐसा फंक्शन एफ एग्जिस्ट कर जाता है बिलोंग्स टू एल वेयर एल डिनोट द कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सपोर्ट ठीक है एल सच दैट सच दैट बच्चे कि जीरो से बड़ा होता है एफ और एफ से बड़ा होता है और इक्वल होता है वन ठीक है एंड वेयर एफ इक्वल्स टू वन ऑन सी एफ किसके इक्वल होता है वन के ऑन सी पर ठीक है एंड एफ एंड एफ़ इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन एक्स माइनस यू ठीक है बच्चों ये हमको पता है ये थ्योरम होती है हमारी कि अगर सी सबसेट हो यू का और जहाँ सी क्या हो कॉम्पैक्ट हो और यू क्या हो ओपन तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है एफ़ बिलोंग्स टू एल सच दैट कि जीरो से बड़ा होता है एफ़ और एफ से बड़ा होता है वन और एफ़ इक्वल्स टू वन होता है ऑन सी पर एंड एफ़ इक्वल्स टू जीरो होता है ऑन एक्स माइनस यू पर ठीक है बच्चों चलिए आगे करते हैं अब आपको पता है कि हमारी एक सीक्वेंस है दे ऑफ फोर अब आपको क्या पता है ठीक है कि हमारा सी कॉम्पैक्ट है कॉम्पैक्ट जी ए सेट है तो क्या होगा और यहाँ सी बता रहे हैं हम कि सी इज अ सबसेट ऑफ यू एन अगर सी सबसेट है यू एन का और सी कॉम्पैक्ट है और यू एन हमारा क्या है ओपन है तो क्या होगा इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो दे ऑफ फोर दे फोर क्या होगा बच्चे दे ऑफ फोर फोर ईच एंड हर एक एंड पर यर फोर फोर ईच एन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन हर एक एन पर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी एन जीएन इन एल जीएन इन एल सच दैट सच 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 दैट कि जो हमारा जीरो ज़ीरो से बड़ा है जी एन और जी एन से बड़ा है और इक्वल है वन ठीक है वेयर जी एन इक्वल्स टू वन ऑन सी ठीक है जी एन इक्वल्स टू वन ऑन सी एंड जी एन इक्वल्स टू ज़ीरो जी एन इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन एक्स माइनस सी ठीक है बच्चों तो हमने ये थी और हम इस पर अप्लाई की उसके बाद हम क्या करेंगे अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं हमने डिफाइन किया क्या हमने डिफ़ाइन किया बच्चों हमने डिफाइन किया जो एफ ओ फेन है एफ ओ फेन इज इक्व टू जीवन ठीक है जीवन इंटरसेक्शन जी टू ठीक है इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन जी एन ठीक है हमने बोला था ना हर एक एन पर इसलिए एन टर्म्स होंगी तो इसलिए क्या कह रहे हैं और इसमें इंटरसेक्शन होता है जी सेट में तो हमने क्या कह लिया कि एफ ओ फ हमने कैसे डिफाइन कर दिया वेयर जी वन इंटरसेक्शन जी टू इंटरसेक्शन जी एन ठीक है थीके? अच्छा अब वी नो दैट अब हम क्या जानते हैं बच्चे वी नो दैट वी नो दैट हम क्या जानते हैं जो एफ एन है वो बिलोंग कर रहा है एल में से ठीक है हमें पता है जो जी एन है जी एन वो किस में से बिलोंग कर रहा है एल में से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली और जो जी वन इंटरसेक्शन जी टू इंटर सेक्शन एंडस ऑन जी एन है वो एफ एन के इक्वल है तो एफ तो एन भी किस में बिलोंग करेगा एल में बिलोंग करेगा ठीक है और हमें पता है जो हमारा जी एन सेट होता है उसमें जो सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है वो कौन सी होती है डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है ठीक है बच्चों हाँ जी बच्चों जो जी एस सेट होते हैं उसमें कौन सी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है डिक्रीजिंग सीक्वेंस इसलिए आप क्या ऐसे कह सकते हैं एंड आप कह सकते हैं कि एफ एन इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस कि एफ एन क्या है डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्लियर है यहाँ तक बच्चों सबको कुछ नहीं है हमने जस्ट जी एस सेट की डेफिनेशन अप्लाई की है और अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आप आ, हमने वीडियो बना रखी है सारे ऑल डेफिनेशन ऑफ यूनिट फोर्थ तो आप उसमें जाके इज़िली देख सकते हैं ठीक है आगे करते हैं इसको अब आप क्या कह रहे हैं एंड आप क्या कह रहे हैं जो जी एन है जी एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ओ फैन कि मतलब जो जी एन है वो एफ ओ n से बड़ा है और एफ n बड़ा है एक्स ऑफ सी वेर एक्स ऑफ सी इज करेक्टर्सिक फंक्शन ठीक है जो एक्स ऑफ सी वो क्या है करेक्टर्सिक फंक्शन है ठीक है चलिए अगर एक आपको पता है आपने इस टाइप की एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करवा दी ये देखिए कि जीरो से बड़ा एफ़ और एफ से बड़ा है वन ठीक है तो हमने क्या कह दिया जी एन से जी एन बड़ा है एफ ओ फैन से और एफ एन बड़ा है एक्स ऑफ सी से वी एक आर एक्स ऑफ सी इज़ करेक्टरिस्टिक फंक्शन ठीक है तो क्या होगा जो एफ ऑफ फैन होगा इक्वल टू वन होगा ऑन सी पर ठीक है यहाँ पे एफ ऑफ फैन किसके हो इक्वल होगा एफ इक्वल्स टू वन के ऑन सी पर तो ये सेंटर वाला एफ ऑफ फैन है तो एफ ऑफ फैन इक्वल्स टू वन ऑन सी पर तो अब आप बताइए अब क्या होगा एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो ऑन एक्स माइनस यू एन पर ठीक है बच्चों क्लियर है बस हमने डेफिनेशन पुट किया है और कुछ नहीं किया इसमें आपको डेफिनेशन याद होगी आप डेफिनेशन पुट कर देंगे इजीलिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा ठीक है अच्छा अब हमको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरस्टिक फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ ठीक है करेक्टरस्टिक फंक्शन ठीक है यहाँ लिख दें करेक्टरस्टिक करैक्टर फंक्शन क्या होता है करेक्टर फंक्शन बच्चे एक्स ऑफ सी इज कॉल्ड करेक्टिक फंक्शन वेयर इफ वन अगर क्या हो वैल्यू वन कब होती है इफ अगर एक्स किसमें से बिलोंग करे सी में से ठीक है और इसकी वैल्यू जीरो कब होती है इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी अगर ये सी से बिलोंग ना करे तो इसको हम क्या कहते हैं करेक्टिक फंक्शन ठीक है बच्चों चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व हाँ जी बच्चा जी अब नाउ वी क्लेम वी क्लेम दैट हम क्या क्लेम करेंगे वी क्लेम दैट वी क्लेम दैट बच्चे क्या क्लेम कर रहे हैं हम कि एफ ओ फेन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सीवियर एक्स ऑफ सी इज एक फंक्शन और एक्स ऑफ सी क्या होता है एक वर्ष टू वन होता है वैन एक्स बिलोंग्स टू सी और जीरो होता है जब एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी ठीक है चलिए अब केस फर्स्ट लेके चलते हैं जब एक्स बिलोंग्स टू सी करें ठीक है केस फर्स्ट केस फर्स्ट ठीक है चलिए केस फर्स्ट लेके चलते हैं इफ क्या केस फर्स्ट है इफ एक्स बिलोंग्स टू सी अगर एक्स किस में से बिलोंग करे सी में से बिलोंग करे ठीक है अगर एक्स सी में से बिलोंग करेगा तो क्या होगा देन जो हमारा एफ ऑफ फैन है वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ फैन ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन हो जाएगा हमें पता है ऑन फॉर ऑल एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन ठीक है अगर एक्स हमारा सी में से बिलोंग कर रहा है तो एफ एफ ओ फैन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इक्वल्स टू वन फॉर ऑन एक्स ठीक है तो अब आप क्या कह सकते हैं फैन ऑफ एक्स एफ ओ फैन ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ वन ठीक है इसको आप कह सकते हैं और वन को आप क्या लिखते हैं वन को आप लिखते हैं ना एक्स ऑफ सी ठीक है एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स वेयर एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स इज करेक्टिक फंक्शन ठीक है तो अब आप क्या कह सकते हैं कि ऑफ फैन ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स क्लियर है केस फर्स्ट हमारा आपको हमने कुछ नहीं कहा हमने पहले एलिमेंट लिया कि एक्स हमारा में से बिलोंग कर रहा है अगर एक्स सी में से बिलोंग कर रहा है देन ऑफ फैन ऑफ एक्स क्या होगा इक्वल्स टू वन होगा फोर ऑनलाइन टू ग्रेटर टू वन ठीक है अगर हमारा एफ ऑफ एन ऑफ एक्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वन पे और वन आपको पता है किसके होता है एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स के वेर एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स क्या है करेक्टरिस्टिक फंक्शन है तो आप क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ एन ऑफ सी ठीक है हाँ जी चलिए सेकेंड केस कंसिडर करते हैं केस सेकेंड ठीक है कौन सा केस लगेंगे केस सेकेंड ठीक है ये क्या कह रहा है पहले हमने केस लिया था कि एक्स बिलोंग कर रहा है सी में अब हम क्या केस ले रहे हैं इफ़ एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी अगर एक्स सी में से बिलोंग ना करे ठीक है अगर एक्स सी में से बिलोंग नहीं करेगा बच्चे तो क्या होगा देन दे आर एग्जिस्ट देन दे आर एग्जिस्ट एन इंडेक्स सेट तो एक ऐसा इंडेक्स सेट एग्जिस्ट कर जाएगा इंडेक्स सेट सच दैट सच दैट क्या होगा कि एक्स नॉट बिलोंग करेगा यू एन में से ठीक है यूएम um क्या है बच्चे यहाँ यूएम um है आपको पता है ना हमने क्या डिफाइन किया था कि सी इज इक्वल टू इंटर सेक्शन एन इक्वस टू वन टू इन्फिनिटी यूएम के इक्वल था ना हमने फर्स्ट में यही प्रू उसको डिफाइन किया था जी एस सेट की डेफिनेशन ठीक है तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है में से तो x कहाँ से बिलोंग करेगा x बिलोंग कर जाएगा x माइनस यू एम ए से ठीक है ना अगर हमें पता होता है कि x अगर ए से बिलोंग नहीं कर रहा होता तो उसके वो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रखता है वैसे ही हम सेम कैसे करेंगे एज़ इट इज़ कि अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है यू एम ए से तो x किस में से बिलोंग करेगा x माइनस यू एम ए से अगर x बिलोंग करेगा x माइनस यू एम ए से तो आप क्या कहेंगे कि एफ ऑफ फेन ऑफ एक्स क्या है एफ ओ फैन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है क्योंकि आपको पता है कि एफ ओफ एक्स इक्व टू जीरो कब होता है जब एक्स बिलोंग करता है एक्स माइनस यू से ठीक है सीन्स सीन्स आप क्या कह देंगे कि एफ ओ फम ऑफ एक्स ठीक है एफ ओ फैम ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ओ फैन ऑफ एक्स कि जो एफ ओफ एम ऑफ एक्स है वो छोट बड़ा है एफ ओ फैन ऑफ एक्स से ठीक है चलिए आप क्या कह सकते हैं एफ ऑफ फैम ऑफ एक्स किसके इक्वल है एफ ऑफ एम ऑफ एक्स हमारा जीरो के इक्वल है ठीक है तो जीरो बड़ा है एफ ऑफ फैन ऑफ एक्स से ठीक है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम की जो एन है वो बड़ा है एम से ठीक है तो आप क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ फैन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम की जो एन है वो बड़ा है एम ए से ठीक है चलिए तो आप क्या कह सकते हैं कि एफ फो फैन ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ जीरो अगर एफ ऑफ एन ऑफ एक्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ जीरो है ठीक है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जो एन है वो बड़ा है एम से ठीक है देन इन बोथ केसेस क्या दिखा रहा है फर्स्ट और सेकेंड केसेस में देन इन बोथ केसेस बोथ केसेस जो एफ फो फैन ऑफ एक्स है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स वेयर एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स इज करेक्टिक फंक्शन ठीक है तो आप क्या कह सकते हैं बच्चे आप कह सकते हैं कि ऑफ ऑफ एपोफेन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सी ठीक है और आप इसको कैसे लिख सकते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सी वी आर एक्स ऑफ सी इज करेक्टिक फंक्शन ठीक है हैंड प्रूफ हैंड तो यहां ये यह जो थ्योरम है ये कंप्लीट हो चुकी है अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच